एंड वेलकम, स्वागत है आपका आज के इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं टीम केओएस के स्क्वाड, हमारे साथ जुड़ेंगे प्रथम स्कैरी गेमर अरसलान। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल मस्त, आप बताओ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और मुझे लगता है जो वैसे अरसलान काफी ज्यादा क्यूट दिख जरूर रहे, एज भी उनकी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है। मैंने थोड़ी देर पहले एक प्लेयर से बातचीत की थी, लगभग अरसलान के एज से ही थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो बस अरसलान से ही पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से आप, सबको यही जानना होता है कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, साथ में आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो। शेड्यूल बना के रखा हूँ, सुबह से इतने टाइम तक का पढ़ाई, फिर बाकी टाइम खेलना, शेड्यूल बना खेलना। उसके बाद आउटसाइड गेम्स भी आप खेलने जाते हैं? फिर बस रात को चले आता तो फुटबॉल खेलने बस होता। मतलब आपके पास तो मुझे लगता है कि आपने टाइम अपना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो, उसके बाद फ्री फायर खेल रहे हो, और छोटा मोटा नहीं इतना बड़ा इवेंट आप खेल रहे हो, साथ साथ एक और इवेंट भी आप खेल ही रहे हो, उसके बाद आउटसाइड गेम भी खेलने जा रहे हो। तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट आपका पूरी तरीके से परफेक्ट है। जब आप और ज़्यादा बड़े हो जाओगे तब तो आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। प्रथम आपके पास आते हैं, जिस तरीके से हमने आपका गेम यहाँ पे देखा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप फ्री फायर की प्रैक्टिस करते हो कि आप गेम में इतना ज़्यादा अच्छा खेल सकते हो? एक्चुअली मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ, और मैं उनके साथ खेल रहा हूँ जो मेरे से बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं अब, आप अपने हायर लेवल के साथ खेलोगे तो एक बन जाता है कि हाँ, ये मेरे से ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वही मैं उनके साथ खेल खेल के सीख सीख के अब आदत हो गई है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो हो जाता है। बिल्कुल, स्कैरी गेमर से तो मैं एकदम डायरेक्ट, बस यही मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमने टीम केओएस के बारे में सुना था कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, धमाल मचाते हैं, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि टीम केओएस का मुझे 30-40% ही लीग स्टेजेस में दिखा, क्योंकि आप टॉप 12 में हमेशा से थे और टॉप 12 में बरकरार भी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बस छुपा के रखी हुई है कि फाइनल्स में आओगे और सबको बस सरप्राइज कर दोगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक हम लोगों ने ना जो बीच में आई थिंक फर्स्ट वीक हमारा बेस्ट किया था, उसमें अच्छी खासी लीड बना रखी थी हमने। देन सेकंड वीक हमने क्या किया, क्योंकि जैसे मेरी और टेक्निकल के जो टीम में फीवर है उसको सो नहीं आया, तो इन दोनों हम दोनों की इतनी पिंग प्रॉब्लम थी किसी भी टाइम, मतलब पिंग 999 जा रही थी। तो हमने क्या किया कि मैं, कुणाल, टैक के एंड प्रथम, हम चारों एक साथ आ गए थे, और अभी भी हम लोग नोएडा में स्टे कर रहे हैं ताकि और भी इम्प्रूव कर सके। इवन नेट प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी, तो वो था कि रीजन जिस वजह से हमारी भी परफॉर्मेंस कम हुई थी। तो फाइनल्स में देखना बहुत कुछ बाकी है जी। कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि फाइनल्स में धमाल मचने वाला है टीम केओएस की तरफ से, क्योंकि नाम हर जगह आपका सुना है, आपका गेम हर जगह हम लोगों ने देखा है, लेकिन लीग स्टेजेस में थोड़ी सी कमी रह गई थी। चलिए, रीजन इसका पता चल गया, अच्छी बात है। जो हमारे दर्शक है, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको भी चीज़ें पता चल गई कि टीम केओएस ऊपर क्यों नहीं है, टॉप 5 में वो क्यों नहीं है। अरसलान, आपके पास एक बार फिर से आते हैं, कौन सी टीम आपको यहाँ पे लगती है कि आपके सामने वो बहुत अच्छे तरीके से टिक सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप किसको अपना फेवरेट मानते हो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट में? आप कुछ उनसे सीखे? हाँ, मतलब साथ में रहते हैं लोग, एकदम एकजुट रहते हैं हर जगह, साथ में फायरिंग, साथ में एकदम लोग, एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। वो जी बिल्कुल, वो चीज़ें आप में भी देखने को भी मिलती है, और फाइनल्स का तो मैं इंतज़ार करूंगा। स्कैरी ने जिस तरीके से पूछा वो तो हम इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल्स का। बट खैर, प्रथम आपकी मैं यहाँ पे बात करूँ, वैसे एक जगह टिके रहने की जरूरत नहीं है, आप खेल जरूर सकते हो, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल हंस जरूर सकते हो, प्यारी प्यारी स्माइल है आप सभी की। बड़ा जो मैं पूछ रहा था, बहुत सारी टीम्स हैं जो कहती हैं कि हाँ, हमारा ये वाला मैप बहुत अच्छा है, कोई कहता है हमारा दूसरा वाला मैप बहुत अच्छा है। टीम केओएस का कौन सा मैप एकदम परफेक्ट है कि हाँ, आप गारंटी के साथ कह सकते हो इसमें तो भैया हम ले ही आएंगे? मेरे हिसाब से बरमूडा, क्योंकि हमारा ड्रॉप बहुत अच्छी जगह होता है, और वहाँ पे मतलब लूट की कमी नहीं होती बरमूडा में, 1% भी कोई कह नहीं सकता कि हम पे लूट की कमी नहीं है। बस हाँ, कभी कभार गलती तो हो जाती है, बट वैसे बेस्ट हमारा बस। जी बिल्कुल, बर्मुडा में हमने आपको देखा भी खेलते हुए, और मुझे लगता है कि आगे और बेहतर आप खेल सकते हो। अगर मैं स्कैरी आपसे बात करूं, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे पूरी 24 टीम को खेलते हुए देखा है, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी एक ऐसी अंडरडॉग टीम जो आई और बहुत अच्छा करके गई? प्रेजेंटली मैं जो क्वालिफाई करके आया ना, उनमें से मैं बोल सकता हूँ लाइक रेवन स्पोर्ट्स, देन ये लोग हैं, मतलब खेलते हैं, काफ़ी लीग्स में मिलते हैं, टैवन वाले स्लॉट्स में मिलते हैं,
लेकिन इनका क्या है कि अभी तक अंडरडॉग हैं, हाँ उम्मीद है उन टीम से भी, हाँ इस बार कुछ अलग करके जाएंगे। बहुत सारी स्क्वाड है, मैं लाइफ हैकर्स की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तो हमेशा से ही टॉप जी, टॉप 10, टॉप 11, 12, टॉप 9 में वो हमेशा वो बैठे ही रहते थे। अच्छा गेम प्ले उनके द्वारा भी हमें देखने को मिला है। बट खैर अरसलान, मैं आपकी एज जानना चाहूँगा, ये हमारे उसमें नहीं बढ़ा, मैं आपकी एज जरूर जानना चाहूँगा। एक चीज में बोल रहा हूँ अरसलान, अपने वाले एक्सेंट में बोल रहा हूँ। अच्छा उनका अलग एक्सेंट है, कुछ अलग एकदम, आप पूछो उससे ही क्या है, वो बताएगा भी आपको। बिल्कुल आप बताएं अरसलान। नहीं, एक बार तो बनता है, एक बार अपनी ऑडियंस के। 15 साल के आप, आई गेस। तो फिर आप फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे यंगेस्ट प्लेयर आप ही होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर रिकॉर्ड कभी हमें दिखा तो हम वो चीज जरूर पता करना चाहेंगे कि आप ही सबसे यंगेस्ट होगी, आपके बाद भी कोई और यहाँ पे जी ई स्पोर्ट्स में। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में मुझे लगता है 15 साल का तो खैर कोई भी नहीं होने वाला, मे बी हो भी सकता है किसी दिन कोई और रिकॉर्ड आएगा। बट खैर वापस आते हैं, प्रथम मैं जी बिल्कुल प्रथम मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी टीम्स आगे जा रही हैं, बहुत सारी टीम्स बहुत आगे निकल गई, आप टॉप 12 में हमेशा से थे, अभी भी टॉप 12 में है, बट हाँ फाइनल्स में कोई नई स्ट्रैटेजी, आई नो आप स्ट्रैटेजी बताना नहीं चाहोगे, बट हाँ आपने कुछ जो नया प्लान करा हो। प्लान तो बस इतना करा है कि पहले हमारे में थोड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही थी, जो हम चार लोग खेलते थे उनमें थोड़ी बहुत कमी हो रही थी कॉल्स में, तो हमने क्या करा, अब हम एक नोएडा में एक वही ले लिया, बूट कैंप टाइप ऑफ कह सकते हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं, तो अब हमारे कोऑर्डिनेशन में कमी हट मतलब नहीं है, अब बहुत बातचीत अच्छे से, कॉल्स अच्छे हो रहे हैं, अब बस वही थोड़ा फायर पावर का भी कभी थोड़ा बहुत इधर एक दो छोटी मोटी गलती, फिर रोटेशन में वो थोड़ी बहुत फर्क पड़ जाती है, उसमें वही प्रैक्टिस कर रहे हैं सब अच्छे से। बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो मैं स्कैरी से जानना चाहूँगा वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं फ्री फायर की ताकि अपनी टीम को और आगे लेके जा सके। नॉर्मली हम लोग जैसे प्रथम है सबसे कम खेलते हैं कभी ऐसे, लेकिन हाँ। उसके अलावा जो भी है लाइक अरसलान है वो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं 12 आवर्स ए डे कम से कम, इवन फुटबॉल ही खेलता है वो, और बाकी ईजिली मैं बोल रहा हूँ कम से कम बोल रहा हूँ 12 आवर्स ए डे, और बाकी तो हम लोग स्क्वाड के साथ खेलते रहते हैं, जो लीग्स चल रहे होते हैं बाकी FFIC की भी है, वेलकम भी है, और कई टायर 1 के XTG वगैरह के बहुत सारे होते हैं, तो साथ खेलते रहते हैं, और इवन रात को 2-3 बजे से लगभग सबका सोना है, तो उस टाइम भी खेलते रहते हैं चिल करते। अब तो मैं अरसलान से जानना चाहूँगा कि उनका टाइम मैनेजमेंट आखिर है क्या, 12 घंटे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं, अब आप मेरे को बस डिटेल में अपना टाइम जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो वो मेरे को आप बता दें बस। सुबह को 7 बजे से 10 बजे तक स्कूल रहती है, फिर घर पे आता हूँ, जो होमवर्क या असाइनमेंट जो भी रहता है 12 तक कर लेता हूँ, फिर 12 से खेलता हूँ, खाना आना खा के 7 बजे तक पकड़ लो 7 घंटा लगातार ही खेलता हूँ, फिर 7-9 थोड़ा वो कर लेते हैं लोग, 7-9 फुटबॉल खेलने चले जाता हूँ, और 7-9 फुटबॉल, फिर बाकी जो खाना खा के 10 o'clock को खाना खा के 3 बजे तक लग सकते हैं। वाह सच बताओ तो इतना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल तो मेरा नहीं है, मैं कब उठता हूँ कब सोता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता, बट अभी आप 15 साल में इतना अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, जैसा मैंने पहले बोला था एक बार फिर से बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाओगे, गेम जो है वो भी बहुत अच्छे से खेलोगे। बट खैर वापस आते हैं प्रथम, आपके यहाँ पे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और टीम्स को भी आपने बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ पे, तो आप अपनी कौन सी कोई एक ऐसी टीम जिसको आप बेस्ट कॉम्पिटिटर मानते हो कि हाँ अगर इनसे फाइट होती है तो शायद वो आगे जा सकते हैं? मेरे हिसाब से 6th sense, क्योंकि मैं उनके साथ खेल चुका हूँ बहुत, मैं उनके साथ ही बहुत पहले से खेलता हूँ, मैं जान सारे दोस्त हैं तो उनके, और मैं किसी को ऐसे जानता नहीं पर्सनली ज़्यादा, सही की 6th sense बोलूँगा। चलिए आपके साथ अब एक फन सेगमेंट मैं खेलने वाला हूँ, ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी ना वो कि इशारे करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको इशारा करके बताना होता है ये है या ये है या ये है, तो मैं आप सभी से क्वेश्चंस पूछूंगा, सभी के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा, बस आपको इशारा करना है कि कौन वो है, ठीक है? तो आई गेस आप सारे लोग रेडी होंगे, तो सबसे फनी आपके टीम में कौन है? ये अच्छा है, अरसलान खुद ही कह रहे हैं मैं ही हूँ फनी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कौन करता है? प्रैक्टिस भी नहीं करता
असला नाम भी एक बार फिर से ऐसे कर सकते हो। सबसे ज्यादा गेम में पैनिक कौन होता है? वो ही शायद नहीं, अभी ओवर द टाइम चला गया है वो सर, वो चीज जा चुकी है। ये पैनिक मोड टूर्नामेंट फ्री माइंड खेलता है, इसको फर्क नहीं पड़ता टूर्नामेंट हारो जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्रीली खेलता हूं, बिल्कुल फ्रीली खेलता है, कई बार तो एकदम ओपन में चला जाता है। अब सबसे सबसे जो मुश्किल सवाल है वो ये है कि गेम के दौरान सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है? एक ही नाम आया, अरसलान ने बोला स्कैरी, प्रथम तो बोल भी नहीं रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मजा आया, कम से कम अरसलान तो खुश होंगे कि दो दो बार उन पे ही उंगली उठी, यहाँ पे खुद पे ही उन्होंने उंगली उठा दी यहाँ पे। खैर, जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैंस के लिए कुछ बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलें ताकि वो आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। शुरुआत करूंगा प्रथम से। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जैसे आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही करते रहो, और आप भी खुद भी प्रैक्टिस करो अपनी स्क्वाड के साथ, ग्राइंड करो, और आप भी एक दिन हमारे अगेंस्ट कॉम्पीट करो तो अच्छा लगेगा। बस मैं इतना ही बोलूँगा, बस खेलते रहो, गिव अप मत करो, एक एक मैच हार के मतलब ये मत सोचो कि नहीं कर सकते, खेलते रहो ग्राइंड करते रहो, और आपकी तरह टाइम मैनेजमेंट करे उसके बाद खेले तब जाके ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक और टिप था ऑडियंस के लिए। स्कैरी गेमर, या एग्जैक्टली बस सेम चीज रिपीट, लाइक अपना मैनेजमेंट कर दो, चलो जैसे अरसलान कर रहा है कितना ज्यादा खेल भी रहा है लेकिन उसके साथ स्टडी भी कर रहा है, बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ गेम है, उसके अलावा जैसे एग्जाम्स आते हैं स्टैंड कम कर दो और बाकी चाहे ग्राइंड करो और दूसरी स्पोर्ट्स को रीड करो कि वो क्या कर रही है, जैसे जो अभी प्रेजेंटली अच्छी टीम्स हैं उनको देखो क्या कर रही है, आप भी स्ट्रेटजी से बना सकते हो और एक दिन आके आप उन्हीं से कॉम्पीट करोगे, फिर उनको बीट कर सकते हो किसी भी टाइम, तो उनकी स्ट्रेटजी उन्हीं पे डाल सकते। ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि उन्हीं की स्ट्रेटजी उन्हीं पे डालो, उन्हीं के स्ट्रेटजी से उन्हें आप मात दे सकते हो। ये चीज़ें, ये नई चीज़ हमारी ऑडियंस को मुझे लगता है सीखने को मिला हुआ। बट थैंक यू सो मच अरसलान, प्रथम स्कैरी गेमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मजा आया, जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने उन्हें भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने होगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फाइनल्स के लिए। थैंक यू एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ बोलना चाहता है, आप लोग एक टॉपिक आस्किंग है उसके बाद तो मतलब मैं अपनी स्ट्रीम गेम प्ले छोड़ के लाइक मेजी एंड मोनिक एंड माय फेवरेट ब्लैक बियर्ड डोंट टॉक हिम लेकिन मेरे फेवरेट हैं, लाइक उनकी कास्टिंग देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ एक गेम में जान आती है कि हाँ यहाँ पे गलती की क्यों की यार। वहाँ पे ब्लैक बियर्ड मेरे को एक शाउट देते हैं कि ये यार स्कैरी यहाँ पे कर सकता था, एक बार मैंने 1v4 किया मतलब ऐसा, उसके बाद में क्या शाउट आउट है, लाइक गले से एकदम आवाज़ आ रही है, फीलिंग जो होती है ना वो आई थिंक फर्स्ट कास्टर ऑफ तीनों जो मेरे फेवरेट हो, मतलब एकदम जो मैंने फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ये चीज़ हम आगे और बरकरार रखेंगे, और जब ये मैं ब्लैकबेर्ड को ये चीज़ बताऊंगा नहीं कि आपने उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं, जब लाइव जब ये लाइव हो जाएगा तब मैं उनको वीडियो कट करके भेजूंगा, देखिए आपके स्कैरी गेमर ने आपके लिए कुछ वर्ड्स बोले हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। बट थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करता हूँ फाइनल्स में आप बहुत अच्छा खेलोगे, और एक बार फिर से हम जरूर मिलेंगे।